खबर खनिया थाना के मायापुर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ अभियान में मायापुर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पिपरोदा उवारी गाँव में घर के पीछे एक हाथ भट्टी की अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री लगी है और भारी मात्रा में शराब उतारी जा रही है एवं यही शराब आसपास के गाँव में बेची जा रही है। उक्त सूचना पर मायापुर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार एवं SI अजय पटेल ने अपनी टीम के साथ पिपरोदा उवारी में तपस्वी तो आरोपी गड़ो BP उर्फ विश्वनाथ प्रताप परमार व जितेंद्र उर्फ बिहारी केवट के घर के पीछे भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री लगाकर शराब उतारी जा रही थी। मायापुर पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में गुड़ लहान मौके पर नष्ट किया और उक्त आरोपी गड़ो के कब्जे से 1030 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची अवैध शराब की कीमत करीबन 10,30,000 रुपए की और 2 मोटरसाइकिल कीमत करीबन 1,50,000 रुपए की मौके से जब्त की है। मौके से आरोपी गड़ों को गिरफ्तार कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी गड़ों को जेल भेज दिया है। ये मामला है ग्राम पिपरोदा उवारी का। यहाँ काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ अवैध रूप से ये भट्टी जलाकर कच्ची शराब का बनाने का काम चल रहा था। कल जैसी सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस बल और पिछोड़ थाने का बल और मायापुर थाने का बल SDP साहब और SP साहब के निर्देशन में हम लोग रवाना हुए थे। वहाँ पर जाकर देखा तो पिपरोदा उवारी में घर बने हुए थे, उसके पीछे खेत हैं, खेत पर भट्टी जलती हुई दिखाई दी। तो हम लोग आरोपियों का नाम है BP उर्फ विश्वनाथ प्रताप परमार और दूसरे का है जितेंद्र उर्फ बिहारी केवट। कितनी मात्रा में मैडम कच्ची शराब बरामद की गई है? करीबन है 1030 लीटर शराब जब्त की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? आरोपी गिरफ्तारी हो गई है। ये गिरफ्तारी में राजू के अलावा और भी कुछ मिला है? हाँ, मौके पर लहान जो रहता है, जो कच्चा माल ये लोग सड़ा कर रखते हैं टंकियों में, तो वो वही मौके पर हम लोग नष्ट कर दें। भारी मात्रा में रहता है, उसको लाने ले जाने में वो रहती है। दो बाइकें भी बरामद हुई? हाँ, 2 मोटरसाइकिल जिनसे ये लोग सप्लाई करते हैं कच्ची शराब का, ये मौके से जब्त हुई हैं गाड़ियां दोनों।